वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सोया आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और सर्दियों के मौसम में सोया का अलग ही स्वाद होता है, तो आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लगभग एक पाव सोया लिया है और इसको महीन कट कर लेंगे। तो दोस्तों, हम धुलने के पहले ही उसको कट कर लेंगे, चाहे तो आप धुल के काट सकते हैं। तो सोया को मैंने बहुत महीन आकार में कट कर लिया है और इसके बाद हम इसको भर के रख देंगे। फिर आलू छील लेंगे। तो इसके बाद मैंने लिए हैं आलू, जिनको हम छील लेंगे। तो आप जितना चाहें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, अपना एक अंदाज़ा लगा के आलू डाल सकते हैं। सोए में आलू कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, इससे क्या होता है, फिर उसका टेस्ट सोए का नहीं आ पाता है। तो बातों बातों में मैंने आलूओं को छील लिया है और अब इनको हम कट कर लेंगे। और काटने के बाद ही हम इनको एक साथ धुलाई करेंगे। तो आलू दोस्तों मेरे पूरे कट चुके हैं और चलिए अब इनको धुल लेते हैं। तो दोस्तों, कम से कम 3-4 पानी में आलू और सोया को धुलना है, क्योंकि आजकल जो नए आलू आ रहे हैं उनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। तो 3-4 पानी से हम आलू को धुल लेंगे। तो आलू हमने धुल के एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके बाद में हम धुलेंगे सोया। सोया को भी ऐसे ही 3-4 पानी से धुलना है और एक छेद वाली छलनी से इसको छान लेना है। तो सोए को हमने लगभग 2-3 पानी में धुल लिया है और अब चलिए मसाला देख लेते हैं। तो दोस्तों, मसाले में मैंने लिया है पिसा लाल मिर्च, हल्दी और जीरा, 2 खड़े मिर्च लिए हैं और अदरक और हरा मिर्च। इसमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे हम तेल। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, हम रिफाइन ऑयल में बना रहे हैं सोया ऑयल। तो आलू को पहले हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। आलू लगभग आधा पक जाएगा फ्राई करते करते। और आलू मेरा फ्राई हो चुका है और इसको हम अलग निकाल लेंगे। और इसके बाद में थोड़ा हम रिफाइन ऑयल और डालेंगे सब्ज़ी छौंकने के लिए, और इसमें वो खड़े मिर्च हम तोड़ के डाल देंगे, और जो अदरक और हरा मिर्च लिया था वो भी डाल देंगे, जीरा डाल देंगे। हल्दी डाल दी, आप चाहें तो हल्दी ना डालें, लेकिन थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाता है। तो इन सब को मिक्स कर देंगे और लास्ट में सोया जो हमने धुल के रखा था उसे डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और लास्ट में हम नमक ऐड कर देंगे। तो आलू मेरे आधे पके हुए थे, अब उनको भी हम डाल के और चलाते हुए इनको ढक देंगे। और हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि यह हमारा आलू आधे से ज़्यादा पका हुआ है, सोया थोड़ा सा पकने में टाइम नहीं लगता है। तो इसको ढक देंगे और लगभग 2-3 मिनट में ही हमारा ये प्रोसेस रेडी हो गया है। और अब इसको हम थोड़ा गैस को हाई फ्लेम कर लें और इसको हम सूखा कर लेंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा पानी की मात्रा है वो जल जाएगी। तो भूनते हुए हमने इसको पका लिया है दोस्तों, और थोड़ी देर और रख देंगे ढक के, फिर हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों, सोया आलू की सब्ज़ी मेरी रेडी है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बनी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत खिल के आया है।
अगर ऐसे आप बनाते हैं, मेहमानों को सर्व करते हैं, घर में सर्व करते हैं, तो आपकी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनने वाली है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे से कमेंट में बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज हम सोया आलू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी सर्व करेंगे। तो दोस्तों, मेरी थाली रेडी है, आप भी आइए।